और फिर आप लोगों का स्वागत है एचएमबी केमिस्ट्री क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं फिफ्थ चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, और आज इसमें हम लोग देखेंगे इमल्शन के बारे में। इमल्शन क्या होता है? इमल्शन एक प्रकार का कोलाइडर सॉल्यूशन होता है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड स्टेट में रहता है, इमल्शन कहलाता है। तो इमल्शन दो लिक्विड का बना हुआ कोलाइडर सॉल्यूशन होता है जिसमें प्रायः दोनों लिक्विड इमिसिबल होता है, इनसॉल्युबल होता है और घुलनशील होता है। तो देखें हम लोग इमल्शन के बारे में, इमल्शन क्या है। इमल्शन आर द कोलाइडर सॉल्यूशंस। इमल्शन वैसा कोलाइडर सॉल्यूशन है इन विच बोथ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आर लिक्विड्स। इमल्शन वैसा कोलाइडर सॉल्यूशन है जिसमें दोनों डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड स्टेट में रहता है, इमल्शन कहलाता है। इन अनदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इमल्शंस आर लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम्स। इमल्शन लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम होता है, दैट इज डिस्पर्शन ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स इन अनदर लिक्विड। एनी टू इमिसिबल लिक्विड्स फॉर्म एन इमल्शन। दो अघुलनशील लिक्विड आपस में इमल्शन बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज ए नेचुरली अकरिंग इमल्शन। मिल्क यह एक प्राकृतिक इमल्शन होता है जिसमें लिक्विड का पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड फैट्स आर डिस्पर्स्ड इन वाटर। फैट लिक्विड का जो पार्टिकल है वह वाटर में डिस्पर्स्ड रहता है। द सबस्टांसेज व्हिच आर एडेड टू स्टेबलाइज द इमल्शन आर कॉल्ड इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग एजेंट। वह सबस्टांस जो इमल्शन में मिलाया जाता है इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए, वह इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट कहलाता है। द सबस्टांसेज दैट आर कॉमनली यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में जिन पदार्थों का सामान्यतः उपयोग किया जाता है उसमें से मुख है गम, सॉप ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, जिलेटिन, एल्बुमिन एक्सेट्रा। द स्टेबलाइजेशन ऑफ एन इमल्शन बाय मीन्स ऑफ इमल्सिफायर इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। जब इमल्शन का स्टेबलाइजेशन किया जाता है इमल्सिफायर के द्वारा, वह प्रोसेस इमल्सिफिकेशन कहलाता है। नाउ टाइप्स ऑफ इमल्शन, दीज आर और टू टाइप्स। इमल्शन दो तरह का, फर्स्ट वॉइल इन वाटर, वॉइल इन वाटर टाइप इमल्शन। इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन वॉइल एक्ट एज डिस्पर्स्ड फेज। इस तरह के इमल्शन में वॉइल डिस्पर्स्ड फेज का काम करता है, स्मॉल अमाउंट में रहता है, सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है, जबकि वाटर यह डिस्पर्शन मीडियम का काम करता है, यह लार्ज अमाउंट में रहता है, एक्सेस अमाउंट में रहता है, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। तो वैसा इमल्शन जिसमें वॉइल डिस्पर्स्ड फेज होगा, वाटर डिस्पर्शन मीडियम होगा, उसे कहेंगे वॉइल इन वाटर। जैसे यहां पर वाटर लिया गया, अब इस वाटर में वॉइल ड्रॉपलेट को मिलाया गया तो ये कहलाया वॉइल इन वाटर इमल्शन। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एन इमल्शन ऑफ सॉल्युबल फैट्स इन वाटर एंड हेयर कैसीन एक्ट्स एज एन इमल्सिफायर।
another vanishing cream is another example of this class. Such emulsions are called aqueous emulsion. तो जिसमें water dispersion medium है इसीलिए इसे aqueous emulsion भी कहा जाता है. ये था first oil in water emulsion. अब हम लोग देखें second water in oil emulsion. अब हम लोग second देखें water in oil. W O water in oil type emulsion. इसमें oil को हम लोग dispersion medium लेंगे. Water यहाँ पर dispersed phase का काम करता है. जब oil में water को मिला दिया जाए तब ये कहलाता है oil in water emulsion. Water in oil emulsion. Sorry यहाँ ठीक करेंगे. Water in oil. Water in oil emulsion. In this type of emulsion, इस तरह के emulsion में water dispersed phase का काम करता है जबकि oil यह behave करता है dispersion medium का. तो जब water dispersed phase हो solute की तरह हो, यहां water solute की तरह है और ऑयल यह डिस्पर्सन मीडियम के रूप में होगा, यह सॉल्वेंट के रूप में रहेगा, तब यह कहलाएगा वाटर इन ऑयल इमल्सन. फॉर एग्जांपल बटर, कॉड लीवर ऑयल, कोल्ड क्रीम्स, ये सब एग्जांपल है वाटर इन ऑयल का. सच टाइप ऑफ इमल्सन आर आल्सो कॉल्ड ऑयली इमल्सन्स. इस तरह के इमल्सन को आप ऑयली इमल्सन कहेंगे क्योंकि यहां पर ऑयल डिस्पर्सन मीडियम का काम करता है. सच टाइप ऑफ इमल्सन ऑयली इमल्सन. द टू टाइप्स ऑफ इमल्सन्स कैन बी इंट्रो कन्वर्टेड सिंपली बाय चेंजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम. ये जो दो तरह का अभी अभी हम लोगों ने इमल्सन पढ़ा, फर्स्ट पढ़ा ऑयल इन वाटर, सेकेंड वाटर इन ऑयल, इस दोनों को इंट्रो कन्वर्टेड किया जा सकता है जब उसके प्रोपोर्शन को चेंज करेंगे, जब उसके अनुपात को चेंज करेंगे, रेशियो को चेंज करेंगे. डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों के रेशियो को दोनों के अनुपात में चेंजिंग करके इसे एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है. ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर इन ऑयल टाइप बाय एडिंग एक्सेस ऑफ ऑयल टू ऑयल इन वाटर इमल्सन. इमल्सन शोज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. इमल्सन यह दर्शाता है कोलाइडल सॉल्यूशन के सभी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को दर्शाता है, जैसे ब्रोनियन मूवमेंट दर्शाता है, टिंडल इफेक्ट दर्शाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस दर्शाता है. तो इस तरह से इमल्सन कोलाइडियल सॉल्यूशन के सभी विशेष प्रॉपर्टीज को दर्शाता है. तो ये सब था इमल्सन के बारे में. अब हम लोग देखें डिमल्सिफिकेशन क्या होता है. द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इमल्सन into its constituent liquid is called demulsification. जब emulsion का decomposition हो, अर्थात emulsion जो दो liquid से बना है, वह दोनों constituent liquid जब अलग हो जाए, तब यही घटना कहलाता है demulsification. The demulsification can be done. यह डिमल्सिफिकेशन किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अथवा फिल्ट्रेशन के द्वारा, बॉइलिंग के द्वारा, फ्रीजिंग के द्वारा या फिर सम केमिकल मेथड के द्वारा. व्हिच डिस्ट्रॉय द इमल्सिफाइंग एजेंट, जो इमल्सन में उपस्थित इमल्सिफाइंग एजेंट को नष्ट कर देता है. फॉर एग्जाम्पल क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूगेशन.
जब मिल्क का सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो उस मिल्क से क्रीम को अलग कर लिया जाता है। तो ये था डिमल्सिफिकेशन है क्या। अब हम लोग देखें कोलाइड्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के कोलाइड्स हैं जिसका हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द सबस्टांसेस दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ आर कोलाइड, अधिकांश सबस्टांस अधिकांश वस्तुएं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है वह अधिकांशतः कोलाइड होता है। द मील्स वी ईट, जो भोजन हम लोग करते हैं, द क्लॉथ्स वी वियर, जो वस्त्र हम लोग पहनते हैं, द वुडन फर्नीचर वी यूज, वुडन फर्नीचर का जो उपयोग किया जाता है, द हाउसेज वी लिव इन, जिस मकान में हम लोग रहते हैं, द न्यूज पेपर वी रीड, न्यूज पेपर समाचार पत्र जो हम लोग पढ़ते हैं, आर लार्जली कंपोज्ड ऑफ कोलाइड्स, ये सब कोलाइड का बना होता है। सम एग्जाम्पल, फर्स्ट ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश का रंग जो नीला दिखाई पड़ता है वह इस कोलाइड के कारण। डस्ट पार्टिकल अलोंग विथ वाटर्स सस्पेंडेड इन एयर स्कैटर्ड ब्लू लाइट व्हिच रीचेज आवर आईज एंड द स्काई लुक्स ब्लू टू अस। डस्ट पार्टिकल जिसमें वाटर मिला हुआ रहता है और सस्पेंडेड इन एयर, ये सब जो हवा में घुला हुआ रहता है, यह ब्लू लाइट को स्कैटर करता है जो हमारे आंखों तक पहुंचता है और यही कारण है आकाश नीला दिखाई पड़ता है। कुछ और एग्जाम्पल इसका हम लोग देखें। सेकेंड, फूड आर्टिकल्स जैसे मिल्क, बटर, हलवा, आइसक्रीम, फ्रूट जूस, फल का जूस, ये सब कोलाइड्स होते हैं अपने नेचर में इन वन फॉर्म और अदर फॉर्म। थर्ड, ब्लड इज ए कोलाइडर सॉल्यूशन ऑफ एन एल्बुमिनॉइड, एल्बुमिनॉइड सबस्टांस का यह कोलाइडर सॉल्यूशन होता है। द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ एलम एंड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इज ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ए क्लॉट व्हिच स्टॉप्स फर्दर ब्लीडिंग। एलम और फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन का जो एंटीसेप्टिक एक्शन है वह मुख्य रूप से ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ए क्लॉट व्हिच स्टॉप फर्दर ब्लीडिंग, जो पहले तो यह ब्लड को क्लॉट करता है और फर्दर ब्लीडिंग से यह रोक देता है। फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, रिवर वाटर इज ए कोलाइडर सॉल्यूशन ऑफ क्ले, नदी का जो पानी होता है वह एक प्रकार का कोलाइडर सॉल्यूशन होता है जिसमें क्ले मिला हुआ रहता है, कीचड़ कंकर बालू मिला हुआ रहता है। सी वाटर कंटेन्स ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, समुद्र का जो जल है उसमें अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रोलाइट उपस्थित रहता है। When river water meets to the sea water, जब river water नदी का जल समुद्र जल में आकर मिलता है, the electrolytes present in sea water में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट coagulate the collider solution of clay, क्ले के collider solution को coagulate कर देता है, resulting in its deposition with the formation of delta, और यह एकत्रित होकर डेल्टा का निर्माण करता है। फिफ्थ, सॉइल, फर्टाइल सॉइल्स आर कोलाइडल इन नेचर, फर्टाइल सॉइल कोलाइडल होता है अपने नेचर में, इन विच ह्यूमस एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव कोलाइड, जिसमें ह्यूमस प्रोटेक्टिव कोलाइड का काम करता है। ऑन अकाउंट ऑफ कोलाइडल नेचर के ही कारण सॉइल एडजॉर्ब मॉइस्चर, वह मिट्टी नमी को एडजॉर्ब करता है, साथ ही साथ नर्सिंग मटेरियल को भी एडजॉर्ब कर लेता है
पोषक तत्व को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सब था कोलाइड जो हमारे चारों ओर रहता है। नाउ वी सी एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड का क्या उपयोगिता होता है। कोलाइड्स आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में विस्तृत रूप से इसका उपयोग किया जाता है। फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर पीने योग्य जो जल है उसका प्यूरिफिकेशन, रिफाइनिंग, शुद्धिकरण। द वाटर कमिंग फ्रॉम नेचुरल सोर्स ऑफन कंटेन्स सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, वह वाटर जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है वह प्रायः सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, कुछ सस्पेंडेड अशुद्धियां रखता है। द ड्रिंकिंग वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय प्रिसिपिटेशन ऑफ सस्पेंडेड कोलाइडल पार्टिकल्स, ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है उसमें उपस्थित कोलाइडल पार्टिकल को प्रिसिपिटेशन के फलस्वरूप। फॉर दिस पर्पस, इसके लिए ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एलम, पोटास एलम, K2SO4, Al2SO4 होल 3, 24H2, दिस इज पोटास एलम फिटकरी। तो उस इम्प्योर वाटर में हम लोग कुछ मात्रा में एलम मिला देते हैं। द Al3+ आयन न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स एंड दे गेट कॉगुलेटेड, एल्युमिनियम आयन जो एलम में उपस्थित रहता है वह न्यूट्रलाइज कर देता है उस चार्ज को जो पार्टिकल में उपस्थित रहता है और उसे कॉगुलेट कर देता है। ये था फर्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। नाउ वी सी सम मोर एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। सेकेंड एप्लीकेशन, मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है कोलाइडल सबस्टांस का। मोस्ट ऑफ द मेडिसिंस यूज्ड आर इन द कोलाइडल फॉर्म, अधिकांश मेडिसिन का जो उपयोग किया जाता है वो कोलाइडल होता है। बिकॉज इन दिस फॉर्म दे आर मोर इफेक्टिव, इस कोलाइडल फॉर्म में यह अत्यधिक प्रभावशाली होता है। एज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, चूंकि सरफेस एरिया अधिक होता है एंड देयरफॉर दे आर इजीली एसिमिलेटेड विथ ब्लड, ब्लड में आसानी से यह घुल मिल जाता है, व्हिच इज कोलाइडल, ब्लड जो कि खुद कोलाइडल इन नेचर होता है। कुछ एग्जांपल देखें, आर्गिरोल, यह एक प्रकार का सिल्वर सॉल होता है जिसका उपयोग करते हैं आई लोशन के रूप में। सेकेंड, कोलाइडल एंटीमनी जिसका उपयोग किया जाता है कालाजार की बीमारी को दूर करने में। थर्ड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यह एक प्रकार का इमल्सन होता है जिसका यूज किया जाता है एंटासिड के रूप में जो एस्टोमेक में, पेट में बनने वाले एसिडिटी को दूर करता है। तो एसिडिटी दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। फोर्थ, कोलाइडल गोल्ड जिसका उपयोग किया जाता है इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन के रूप में। ये सब जितना भी मेडिसिन यहाँ आपने देखा यह सब कोलाइडल नेचर होता है। इसके अलावा फॉग, मिस्ट, रेन, कुहासा, ओस या वर्षा, ये सब भी कोलाइडल होते हैं, खास करके विंटर में, जाड़े के दिनों में और रात में। द मॉइस्चर ऑफ एयर, एयर में उपस्थित जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस ऑन सरफेस ऑफ डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल के सतह पर कंडेंस हो जाता है फॉर्मिंग फाइन ड्रॉपलेट जो छोटे छोटे जल के बूंद का निर्माण करता है। दीज ड्रॉपलेट्स आर कोलाइडल इन साइज, यह जो छोटे छोटे जल की बूंदे होती हैं यह कोलाइडल होता है अपने आकार में एंड हेंस कंटिन्यू टू फ्लोट इन द एयर, जो हवा में लगातार तैरते रहता है
इन द फॉर्म ऑफ फॉग और मिस्ट, कुहासा या ऊस के रूप में। क्लाउड आर एरोसॉल, क्लाउड एक प्रकार का एरोसॉल होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन द एयर। जो एरोसॉल क्लाउड, वह वाटर जल की छोटे छोटे बूंदे रखता है जो एयर में सस्पेंडेड रहता है। इन द अपर एटमोस्फेयर वेयर द टेम्परेचर इज लो, जहां पर टेम्परेचर कम होता है, दे कंडेंस टूगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स, जल के बड़े बड़े बूंद का निर्माण करता है, व्हिच कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, और यह वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिरता है। फोर्थ, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सॉप, सॉप का साबुन का क्लींसिंग एक्शन। सॉप सॉल्यूशन, यह भी कोलाइडल होता है नेचर में। इट रिमूव्स डर्ट पार्टिकल्स आइदर बाय एडजॉर्प्शन और इमल्सिफाइंग द ग्रीसी मैटर स्टिकिंग टू द क्लॉथ। यह जो सॉप सॉल्यूशन है, यह कोलाइडल होता है नेचर में, वह क्लॉथ में कपड़े में चिपके हुए ग्रीसी मैटर या फिर डर्ट पार्टिकल को यह दूर कर देता है। फिफ्थ, फोटोग्राफिक प्लेट के रूप में, दीज आर थिन ग्लास और सेल्युलॉइड फिल्म। फोटोग्राफिक प्लेट या तो थिन ग्लास होता है, सेल्युलॉइड फिल्म से होता है, कोटेड विथ जिलेटिन, जिस पर जिलेटिन का कोट रहता है। कंटेनिंग ए फाइन सस्पेंशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का फाइन सस्पेंशन रहता है। द पार्टिकल ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड आर कोलाइडल इन नेचर, यह जो सिल्वर ब्रोमाइड रहता है यह भी कोलाइडल होता है नेचर में। सिक्स्थ, इन डिसइंफेक्टेंट, कीटनाशक के रूप में भी। द डिसइंफेक्टेंट सच एज डेटॉल, लाइसॉल, ये जो इमल्सन होता है ऑफ ऑयल इन वाटर व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर। एंड सेवंथ, कोलाइडल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, अत्यधिक संख्या में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, वह भी कोलाइडल होते हैं नेचर में, जैसे इंक, पेंट, लुब्रिकेंट्स, सिंथेटिक प्लास्टिक, रबर, सीमेंट, ये सब कोलाइडल होते हैं। तो ये सब था कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या यूज होता है, क्या एप्लीकेशन है कोलाइड का हमारे डेली लाइफ में। तो ये चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री समाप्त हुआ। अब इसको आप अच्छी तरह से एक बार रिवीजन करें और एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो आप लोग के लिए होमवर्क रहा, सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.1 to 5.27। ये 1 by 1 सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और उसको फिर आप सॉल्व कीजिए। हम उम्मीद करते हैं अधिकांश क्वेश्चन आपसे स्वतः बन जाएगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर हमसे पूछिए, तो कल उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसको अच्छी तरह से रिवीजन करिए, मेहनत करिए, घर में रहिए, अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी कीजिए, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। जब भी घर से बाहर निकलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य कीजिए, अर्थात प्रयास करिए किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में बिल्कुल नहीं आना है, और हमेशा घर से बाहर मास्क का उपयोग करिए या नहीं तो तौलिया या गमछा से अच्छी तरह अपने मुख और नाक को ढकना है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है, घर में रहें, सेल्फ स्टडी करें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द बेस्ट।